अस्सलाम वालेकुम। आज केमिस्ट्री का 10वीं क्लास की केमिस्ट्री का पहला लेक्चर है फर्स्ट चैप्टर से, जिसके टॉपिक्स हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है और टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है। सबसे पहले जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं जैसा कि इसका पहला लफ्ज का पहला हिस्सा ही अगर हम देखें तो ये लफ्ज बन रहा है इक्वल, और आप सब जानते होंगे कि मैथ में इक्वल से क्या मुराद है। एक ऐसा साइन, एक ऐसी स्टेट, एक ऐसी जगह जहां पर दो मसावात, दो चीजें आपस में आकर बराबर हो जाएं, हम मैथ में वहां पे इक्वल का साइन डालते हैं। अब क्योंकि हम यहाँ पे केमिस्ट्री के मुताबिक बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम को भी केमिस्ट्री में ही डील करेंगे। सबसे पहले इक्विलिब्रियम पढ़ाने से पहले मैं आप से नॉर्मल लाइफ की बात करना चाहूँगा। नॉर्मल लाइफ में हम सबको पता है कि हम सब सांस ले रहे हैं, और जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन इनहेल करें, ऑक्सीजन हम ले रहे हैं सांस में, और जो हमारे फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड सांस जब हम बाहर निकालते हैं वो बाहर फेंक देते हैं। अब ये क्या है कि इंसान हमेशा ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक रहा है, तो इंसान ने क्या किया, CO2 को बाहर फेंका और ऑक्सीजन को क्या किया, इंसान ने ले लिया। अब इस तरह से अगर हम देखें तो माहौल में जितनी भी ऑक्सीजन है वो किसके पास जा रही है, वो इंसान के पास जा रही है या किसी भी जानदार के पास जा रही है, और जितनी भी CO2 माहौल में प्रोड्यूस हो रही है वो हमेशा माहौल में रह रही है। अगर हम इस हवाले से देखें तो हमेशा माहौल में CO2 बढ़ती रहनी चाहिए लेकिन ऑक्सीजन कम होती रहती है। लेकिन नॉर्मल लाइफ में हमने देखा है कि इंसान जिंदा भी रह रहा है, ना ऑक्सीजन कम होती है और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की मिकदार एक खास लेवल से ज़्यादा जा रही है। इसकी मेजर वजह क्या है कि जो CO2 रिलीज हो रही है वही CO2 प्लांट्स यानी कि पौधे इनहेल कर रहे हैं, यानी कि वो ले रहे हैं और उस ऑक्सीजन CO2 को यूज करके वो क्या कर रहे हैं, O2 रिलीज कर रहे हैं। तो इस चक्कर से क्या है, जो CO2 माहौल में आ रही है पौधे उनको इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको यूज करके पौधे दोबारा ऑक्सीजन बना रहे हैं। जो ऑक्सीजन पौधे बना रहे हैं वो इंसान ले रहे हैं और इंसान CO2 रिलीज कर रहे हैं। तो इस वे से माहौल में CO2 और ऑक्सीजन की मिकदार क्या है, आप इसमें बराबर रह रहे हैं। ये तो थी इक्विलिब्रियम की मिसाल माहौल से कि जितनी ऑक्सीजन पैदा हो रही है उतनी ऑक्सीजन यूज हो रही है, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड इंसान पैदा कर रहा है वो उतनी कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर CO2 ऑक्सीजन बना रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की केमिस्ट्री के लिए तो हमें मालूम होना चाहिए कि केमिस्ट्री नाम ही रिएक्शंस का है। अब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो हमारे पास हमेशा क्या है, दो चीजें मिलती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हाइड्रोजन एक गैस है और आयोडीन भी एक एलिमेंट। ये जब भी दो चीजें मिलेंगी एक खास टेम्परेचर पर तो ये हमेशा एक नई चीज बनाती है, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब हाइड्रोजन और आयोडीन ये दो चीजें जब भी आपस में मिल रही है एक नई चीज को जन्म दे रही है जो कि हाइड्रोजन आयोडाइड है। तो केमिकल रिएक्शन में दो चीजें जो आपस में मिलती हैं वो क्या कहलाती हैं, रिएक्टेंट्स यानी कि रिएक्ट करने वाली। और वो चीजें जो रिएक्टेंट्स के मिलने से बनती हैं वो क्या कहलाएंगी, वो प्रोडक्ट्स कहलाएंगी। अब हम बात कर, हमें ये तो पता चल गया कि रिएक्शन में रिएक्टेंट्स क्या है और प्रोडक्ट्स क्या है। अब हम बात करते हैं कि रिएक्शन किस तरह के होते हैं। अब रिएक्शन यहाँ पर हमारे पास दो मेजर टाइप्स हैं, इररिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ऐसा रिएक्शन आपका ऐसा रिएक्शन जिसमें आपके
products do not recombine to make reactants. वो क्या कहलाता है? वो आपका irreversible रिएक्शन कहलाता है. एक ऐसा रिएक्शन, यानी कि अगर आप मिसाल ले लें हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की, तो हमें पता है कि हाइड्रोजन का एक मोल और ऑक्सीजन का हाफ मोल जब भी मिलता है तो वो वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाता है. तो ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स, यानी कि दो क्या है, रिएक्टेंट्स. ये रिएक्टेंट्स जब मिलेंगे तो एक नई प्रोडक्ट बना रहे. तो ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट वापस ना टूटे, वापस ना रिकम्बाइन हो और रिएक्टेंट्स ना बनाए दोबारा, वो रिएक्शन कहा जाएगा आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन. और इरिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा एक सिंगल एरो की शो होता है. और वो रिएक्शन आपका जिसमें आपके रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बने और वो प्रोडक्ट दोबारा डिकम्पोज होकर या रिकम्बाइन होकर दोबारा रिएक्टेंट्स को बनाए, वो रिएक्शन आपका क्या कहलाएगा? इरिवर्सिबल रिएक्शन. यहाँ पर मैं इजाफा करना चाहूंगा रिकम्बाइन के साथ डिकम्पोज का. डिकम्पोज का मतलब क्या है? टूटना, टूट जाना. और रिकम्बाइन का मैंने यह दोबारा मिलना. तो ऐसा रिएक्शन जिसमें आपके रिएक्टेंट्स दोबारा, जितना के प्रोडक्ट्स दोबारा रिकम्बाइन ना हो, दोबारा डिकम्पोज ना हो और रिएक्टेंट्स को ना बनाए, वो रिएक्शन आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाता है. और आपका वो रिएक्शन जिसमें आपके प्रोडक्ट्स दोबारा टूट कर दोबारा रिकम्बाइन होकर रिएक्टर्स को दोबारा बना दें, वो रिएक्शन आपका क्या कहलाता है? रिवर्सिबल रिएक्शन. रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल इज वन इन विच प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन और डीकम्पोज. मैं बात कर रहा हूं दोबारा, इसने क्या कहा? डू नॉट, नहीं होते रिकम्बाइन, नहीं वापस जुड़ते. लेकिन इसमें क्या है, इसमें डीकम्पोज भी हो जाते हैं दोबारा और दोबारा इसने क्या कर जो चीज पहले थी वही बना दे, तो वो रिएक्शन आपका क्या कहलाता है? वो रिएक्शन आपका रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मिसाल लें अमोनिया की, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करती हैं तो वो बनाती हैं अमोनिया. लेकिन अगर आप ये रिएक्शन किसी क्लोज वेसल में करवा रहे हैं, किसी ऐसे बर्तन में करवा रहे हैं, किसी ऐसी जगह पे करवा रहे हैं जहां से अमोनिया बाई वापस ना निकले, जहां से आप अमोनिया को वापस नहीं निकाल रहे, तो ऐसा होगा कि कुछ देर बाद अमोनिया अपने आप टूटेगी और दोबारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना देगी. तो ये रिएक्शन आपका क्या कहलाएगा? ये रिएक्शन आपका रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाएगा. अब जब हम बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की, तो ये रिएक्शन भी मजीद दो अकसाम में है, एक फॉरवर्ड रिएक्शन और दूसरा रिवर्स रिएक्शन. फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें आपके रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं, रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट्स.
कभी आपने घर में टेप रिकॉर्डर वगैरह देखा हो तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है फॉरवर्ड, जिसको अगर आप क्लिक करें तो आपकी जो कैसेट है या आपके जो मोबाइल में वीडियो है वो आगे की तरफ चलना शुरू हो जाती है। वो आपकी मर्जी, आप 10 सेकंड करें, 20 सेकंड करें, 40 सेकंड करें, 100। और कभी आपने देखा होगा एक रिवर्स का ऑप्शन भी होता है, अगर आप व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो रिवर्स का ऑप्शन होता है, जिसे आप क्लिक करें तो आपकी वीडियो बैक आना शुरू हो जाती है। तो उधर से अगर आप याद रखना चाहें तो आपने वो निशानी होगी फॉरवर्ड रिएक्शन, वो है जिनमें आपके रिएक्टेंट्स रिएक्ट करें और बना लें प्रोडक्ट्स। और रिवर्स रिएक्शन क्या है, जिनमें आपके प्रोडक्ट्स यानी कि जो चीज आगे बन गई है वो दोबारा पीछे की तरफ आए, जिसमें आपके प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्ट करें या रिकम्बाइन करें, रिएक्ट करें या रिकम्बाइन करें, रिएक्ट कर जाए या रिकम्बाइन कर जाए और दोबारा बना दें रिएक्टेंट्स को, तो वो आपका क्या कहलाएंगे, वो रिएक्शन आपके रिवर्स रिएक्शन कहलाएंगे। जैसे कि हम पहले कह सकते हैं हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का जो रिएक्शन है ये क्या है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और इसमें क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है। अब ऐसा रिएक्शन जिसमें आपके रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं और बना रहे हैं प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं और बना रहे हैं प्रोडक्ट्स, वो रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड। लेकिन वो रिएक्शन जिसमें आपका प्रोडक्ट दोबारा डिकम्पोज हो रहा है, दोबारा टूट रहा है और बना रहा है रिएक्टेंट्स को, वो आपका क्या कहलाएगा, रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन हमेशा इस एरो से शुरू होता है और रिवर्स रिएक्शन हमेशा इस एरो से शुरू होता है, फॉरवर्ड और ये रिवर्स। अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम की। तो हम जैसे कि पहले ही देख चुके हैं कि इक्विलिब्रियम क्या है, कि ऐसी स्टेट, एक ऐसी कंडीशन जिसमें एक चीज दूसरे के बराबर हो जाए। तो थोड़ी देर के लिए अगर हम रिएक्शन के दरमियान आने वाले एरो को इक्वल टू मान लें, दरमियान आने वाले रिएक्शन को इक्वल टू मान लें, तो इसमें क्या है, ऐसी कंडीशन जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाए रिवर्स रिएक्शन के। ये फॉरवर्ड और ये रिवर्स, एक ऐसी कंडीशन जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाए रिवर्स रिएक्शन के, वो कंडीशन आपकी क्या कहलाती है, वो कंडीशन आपकी, ये तमाम कंडीशन आपकी क्या कहलाएगी, केमिकल इक्विलिब्रियम। अब जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा तो उसकी हमें टाइप्स भी मालूम होनी चाहिए। तो केमिकल इक्विलिब्रियम की फर्दर दो टाइप्स हैं, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरी डायनामिक। जब हम लव स्टैटिक की बात करते हैं, जब हम लव स्टैटिक को पढ़ें तो स्टैटिक से क्या मुराद है, स्टैटिक से मतलब है रुका हुआ, स्टैटिक का मतलब हुआ रुका हुआ, यानी कि जो चल नहीं रहा, जो सीज है, जो हरकत में नहीं है। तो एक ऐसा रिएक्शन, एक ऐसी इक्विलिब्रियम स्टेट एक इक्विलिब्रियम स्टेट, एक ऐसी इक्विलिब्रियम स्टेट जिसमें आपका रिएक्शन, इन विच रिएक्शन सीज या स्टॉप टू प्रोसीड, एक ऐसी कंडीशन जिसमें आपका केमिकल रिएक्शन या एक ऐसी इक्विलिब्रियम स्टेट जिसमें
आपका रिएक्शन मजीद आगे जाने से इनकार कर दे, मजीद आगे ना जाए बल्कि ऐसा लगे कि वो रुका हुआ है, वो स्टेज आपकी क्या कहलाएगी? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और आपकी वो स्टेज जिसमें आप इक्विलिब्रियम इन विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट से मुराद क्या है? रेट से मुराद आपकी रफ्तार है, रेट से मुराद आपकी रफ्तार, यानी कि कोई चीज जितनी तेजी से इधर जा रही है, किस तरफ दौड़ रही है, वो चीज उतनी तेजी से वापस भी आए। तो इसे आप क्या कहेंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम, डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम। डायनामिक से मुराद है आपकी हरकत, यानी कि जो चीज चल रही हो, मूवमेंट शो कर रही हो। तो एक ऐसा केमिकल इक्विलिब्रियम इन विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल, यानी कि बराबर हो जाए रिवर्स रिएक्शन रेट, इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। एक ऐसी स्टेज, एक ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें आपका फॉरवर्ड रिएक्शन रेट, यानी कि कोई रिएक्शन जितनी रफ्तार से इस तरफ को दौड़ रहा है, उस दौड़ को प्रोडक्ट बना रहा है और उसी रफ्तार से प्रोडक्ट वापस की तरफ दौड़ कर रिएक्टेंट्स को बनाए, तो वो रिएक्शन, वो इक्विलिब्रियम स्टेज आपकी डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेज कहलाती है। जबकि स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है? जिसमें आपका रिएक्शन ऐसा लगे कि बिल्कुल रुका हुआ है और बिल्कुल हरकत करता शो ना करे, वो रिएक्शन आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आप घर मोहल्ले में नजर आने वाली बिल्डिंग्स को देखें या कुर्सी को देख लें, अब इस कुर्सी में तमाम लगने वाली फोर्सेस बराबर है जिसकी वजह से ये कुर्सी एक जगह पर रुकी हुई है, लेकिन अगर एक तरफ से भी फोर्स ज्यादा हो जाए जैसे कि, तो ये कुर्सी मजीद रुकी हुई मालूम नहीं हो। तो ये पहले क्या थी? स्टैटिक इक्विलिब्रियम को कहती जिसको मैंने डिस्कवर किया और ये इसने अपने स्टैटिक इक्विलिब्रियम को छोड़ दिया। लेकिन दोबारा जब मैंने अपनी फोर्स उठा ली तो इन्वायरमेंट में लगने वाली तमाम फोर्सेस बराबर थी, तो ये क्या किया? स्टैटिक इक्विलिब्रियम पर। अगर पंखे को देखें तो पंखे पे जितनी ग्रेविटी की फोर्स लग रही है उतनी ही सीलिंग पे लगी हुई फोर्स की फोर्स से खींच रही है, जिसकी वजह से पंखा जमीन पर नहीं गिर रहा। अगर एक भी फोर्स कम हो जाए या इक्वल ना रहे कि पंखा जब तक जमीन पर आकर गिरेगा और ये अपनी इक्विलिब्रियम स्टेज को छोड़ दे। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है? वो इक्विलिब्रियम स्टेज जो रुकी हुई हालत में हो और डायनामिक जो चलती हुई हालत में नजर आए। अब हमने उससे पहले फोर्स रिएक्शंस के अंदर भी पढ़ा था कि रिएक्शन की जो टाइप थे फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है, अगर आप अपनी बुक में पढ़े तो इसका एक कंपैरिजन भी दिया हुआ है। अगर आप अपनी बुक में पढ़े तो इसका कंपैरिजन दिया हुआ है। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें आपके रिएक्टेंट रिएक्ट्स टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें आपके रिएक्टेंट्स रिएक्ट करें और प्रोडक्ट्स को बना दें, वो रिएक्शन आपको क्या कहलाएगा? फॉरवर्ड रिएक्शन। दूसरी बात, ये हमेशा लेफ्ट टू राइट मूव करता है, यानी कि उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ, जबकि अगर आप इसके ऑपोजिट बात करें रिवर्स रिएक्शन, इसमें प्रोडक्ट्स, उसमें क्या था? रिएक्टेंट रिएक्ट करके बनाते थे प्रोडक्ट को, लेकिन इसमें क्या है? प्रोडक्ट्स रिएक्ट करती है टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। ये क्या है?
वो लेफ्ट टू राइट था और ये क्या है राइट टू लेफ्ट, यानी कि ये सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ चलता है। अच्छा, जब हम रिएक्शन की बात करते हैं तो ये वाला रिएक्शन जब स्टार्ट किया जाए तो ये स्टार्ट में क्या होता है, इट इज वेरी फास्ट इन स्टार्ट। जाहिर बात है जब आपने एक रिएक्शन को स्टार्ट करवाया तो रिएक्शन कब शुरू होता है, जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगी, तो शुरू में क्योंकि रिएक्टेंट्स बहुत ज्यादा है तो तेजी से रिएक्ट करेगी और प्रोडक्ट बनाना शुरू करेगी, तो ऐसा लगेगा जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत तेज है, लेकिन इसमें क्या होता है इट इज स्लो एट स्टार्ट। सही बात है, ये रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट्स फूट कर प्रोडक्ट दोबारा रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स को बनाए, जब प्रोडक्ट्स होंगे ही नहीं स्टार्ट में तो ये रिएक्शन ऑलरेडी स्लो होगा, लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्ट्स की मात्रा ज्यादा होगी ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, और जैसे जैसे रिएक्टेंट्स की मात्रा कम होगी ये रिएक्शन स्लो होना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या है, इट स्लो डाउन, इट स्पीड्स अप ग्रेजुअली, और ये क्या है इट स्लो डाउन ग्रेजुअली, ये क्या है ये आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है रिएक्शन और ये तेज होना शुरू हो जाता है। अब हम अगर इस सारी समरी को जो कि फॉरवर्ड रिवर्स के हवाले से हमने पढ़ी है समराइज करना चाहें, हम इसको सिर्फ एक रिएक्शन में समराइज कर सकते हैं, उसने आपकी बुक में एक एग्जांपल दी हुई है एक रिएक्शन की जो कि एक बीकर में हो रहा है, और वो बीकर क्या है, वो बीकर क्लोज है, उसने उस बीकर में क्या लिया हुआ है, उसने उस बीकर में हाइड्रोजन ली हुई है और आयोडीन ली हुई है। अब हाइड्रोजन इटसेल्फ क्या होती है, कलरलेस, और आयोडीन का इटसेल्फ कलर क्या होता है, पर्पल, पर्पल कह रहे हैं या आप वायलेट कह रहे हैं। तो रिएक्शन के स्टार्ट में क्या है, रिएक्टेंट्स ज्यादा हैं, तो आप जब रिएक्शन स्टार्ट करवाएंगे तो आपके बीकर में क्योंकि आपने हाइड्रोजन भी लिया आयोडीन भी लिया तो आयोडीन का कलर शो हो रहा होगा और आपके बीकर में आपको रेडिश वायलेट कलर या पर्पलिश कलर नजर आएगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुआ आप देखेंगे कि आप इस क्लोज बीकर के अंदर कलरलेस हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया, कलरलेस हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया, यानी कि पहले रिएक्टेंट आयोडीन क्योंकि रिएक्टेंट था इसकी वजह से आयोडीन क्योंकि रिएक्टेंट था इसकी वजह से पर्पलिश कलर शो हो रहा था, लेकिन जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुआ हीट अप करने पर तो आयोडीन ने रिएक्ट करके हाइड्रोजन से क्या बना दिया, हाइड्रोजन आयोडाइड, जो कि इटसेल्फ क्या है कलर लेस, तो वो कलर जो पहले पर्पलिश शो हो रहा था आपके बीकर के अंदर वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया, गायब होना शुरू हो गया। लेकिन अगर आप इस बीकर को डिस्टर्ब ना करें यानी कि इसके लिड को ओपन ना करें उसे बंद रहने दें तो कुछ देर बाद आप देखेंगे कि ये हाइड्रोजन आयोडाइड जो बना था जो कलरलेस था थोड़ी देर बाद ये वापस ब्रेकअप होगा और क्या करेगा, वापस ब्रेकअप होकर हाइड्रोजन और आयोडीन बनाना स्टार्ट कर देगा, तो जो पहले कलरलेस बीकर बना था वो दोबारा उसमें कलर आना शो हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, ये पूरा रिएक्शन आपका रिवर्सिबल रिएक्शन की एक मिसाल है। पहले क्या था, हाइड्रोजन और आयोडीन यानी रिएक्टेंट्स मिले और उन्होंने क्या बना दिया, प्रोडक्ट, रिएक्टेंट मिले उन्होंने क्या बना दिया, प्रोडक्ट, और ये रिएक्शन क्या था आपका, फॉरवर्ड रिएक्शन। ये स्टार्ट में क्या था,
बहुत ज्यादा फास्ट तेजी के साथ